लवर्स, कैसे आप सब? आज करेंगे फिजिक्स का, ऑप्टिक्स का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू डेप्थ 80 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक वाटर टैंक है, मान लीजिए ये आपका एक वाटर टैंक है और इस वाटर टैंक में हमने वाटर फिल कर दिया। क्लियर? तो इस वाटर टैंक में हमने वाटर फिल किया और कितनी डेप्थ तक किया? 80 सेंटीमीटर। सो डेप्थ ऑफ द वाटर टैंक इज 80 सेंटीमीटर। इट मींस यहां पर जो आपकी रियल डेप्थ है वो है 80 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू व्हिच लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन एमर्ज आउट। कि आपको ये बताना है कि कितने एरिया में से इस वाटर में से लाइट एमर्ज आउट होगी अगर आपने 80 सेंटीमीटर डेप्थ पर बॉटम ऑफ वाटर टैंक पर एक बल्ब लगा दिया। सो दिस इज द बल्ब। अब हम जानते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट से रेज डिफरेंट डायरेक्शंस में जाती है। जैसे इस क्लासरूम में अगर ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है और अदर स्टूडेंट्स को भी दिखाई दे रहा है, तो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि लाइट इस पर फॉल कर रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और आपकी आईज में आ रही है और आपका ब्रेन उसको रीड कर रहा है। तो बिल्कुल वैसा यहां पर है कि ऑब्जेक्ट जो है उसमें से रेज ऑल डायरेक्शंस में जा रही है। सो मान लेते हैं एक रे ऐसी है जो आपके वाटर के सरफेस के नॉर्मली पास हुई। नॉर्मली मींस 90 डिग्री टू द सरफेस। अब हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उससे पहले कॉन्सेप्ट स्टडी किया है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें कितना मिलता है? 90 डिग्री। और अगर उस एंगल से ज्यादा हमारा क्रिटिकल एंगल होगा तो वहां पर होगा TIR, बोले तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए, मान लेते हैं कि यहां पर ये एक रे गई और इस रे का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना वो बना 90 डिग्री। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बड़े प्यार से बोल सकते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा क्रिटिकल एंगल। लेकिन अगर इसके बाद आप कोई भी रे ड्रॉ करोगे तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वो रे इसी मीडियम में इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वो रे एमर्ज आउट नहीं होगी। बट हमें एरिया किसका निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ द लाइट एमर्ज आउट फ्रॉम द वॉटर सरफेस। सो वी कंसिडर ओनली दिस सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन? जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है क्रिटिकल एंगल। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पर 90 डिग्री है। ऐसा ही एक रे हम यहां से भी पास कर देंगे, यहां पर भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 90 डिग्री। सो दिस इज द एरिया ऑन द वाटर सरफेस जहां से लाइट एमर्ज आउट होगी। तो ये आप देखें शेप कैसी बन रही है, सर्कुलर बन रही है, सर्कल बन रहा है। अब इस सर्कल का रेडियस हमने मान लिया आर। अब इस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला आपको भी पता है, मुझे भी पता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर तो हम निकाल ही लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आर की वैल्यू पता होना जरूरी है। तो आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप देखिए इसमें हमें गिवन डाटा क्या क्या है। इसमें हमें गिवन डाटा है एक तो डेप्थ, दैट इज द हाइट। तो ये हाइट हमें पता है, ए से ओ तक की हाइट हमें पता है 80 सेंटीमीटर। सो ए ओ इज इक्वल टू एच इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल है और ये भी क्रिटिकल एंगल बनेगा। रीजन बता दो, क्या रीजन है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यहां पर जेड फॉर्म हो रहा है। अगर यहां पर जेड बन रहा है तो ये एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब हम क्या करेंगे? हम इस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए आर यहां पर परपेंडिकुलर है, आर यहां पर परपेंडिकुलर है और ये जो आपको हाइट दी हुई है ये क्या है? ये बेस है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अगर मैं इसमें 10 IC लगा दूं तो 10 IC क्या बनेगा? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस इज एच। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? द वैल्यू ऑफ आर इज एच 10 IC और हमें यहां पर एच की वैल्यू पता है 80 सेंटीमीटर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.80 मीटर 10 IC। ये हमारा हो गया रेडियस। बहुत आसान हो गया, रेडियस हमें पता चल गया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू नहीं पता है।
तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन आई सी इज रेसिप्रोकल और इक्वल टू 1/n, n इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो साइन आई सी की वैल्यू क्या होगी? 1/n, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 4/3। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट साइन आई सी इज इक्वल टू 3/4। साइन आई सी हो गया 3/4, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है टेन आई सी। तो टेन आई सी कैसे निकालेंगे? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटन्यूस। इसका मतलब परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटन्यूस 4 है। परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटन्यूस पता है, बेस कैलकुलेट कर सकते हो। यूज पीजीटी, पीजीटी स्टैंड्स फॉर पाइथागोरस थ्योरम। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम व्हाट आर वी गोइंग, बेस, बेस इज अंडर रूट हाइपोटन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटन्यूस इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हाइपोटन्यूस? हाइपोटन्यूस इज 4, सो इट विल बी 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 इज अंडर रूट 7। ये हमने बेस कैलकुलेट कर लिया। अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, टेन आई सी निकल जाएगा। तो टेन आई सी की वैल्यू क्या होगी? टेन आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन आई सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज 3 और बेस है आपका रूट 7। टेन आई सी हमें पता चल गया। अब ये टेन आई सी की वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो व्हाट इज द रेडियस? 0.80 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय रूट 7, ये लीजिए। तो हमने यहां पर रेडियस आखिरकार फाइंड कर ही लिया। अब रेडियस निकल गया, रेडियस के बाद अब हमें निकालना है एरिया ऑफ द लाइट एमर्जिंग आउट। सो एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। रेडियस कितना है? 0.80 का स्क्वायर, तो इट इज 0.80 इंटू 3 बाय रूट 7 का स्क्वायर, ये होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय 0.80 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 7। इज इट क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर हो रहा है तो कर दीजिए, नहीं हो रहा तो मत करिए। तो यहाँ पर हो गया 22 × 9, तो इसको सॉल्व करते हैं। 9 × 18, 9 × 18 = 19, ये हो गया 198 मल्टीप्लाई बाय 8 × 8 = 64 मल्टीप्लाई बाय 10^-4, डेसिमल को लिख सकते हो 10^-2, तो ये हो गया 10^-4 मल्टी, और ये हो गया 6400 हो जाएगा। 6400 मल्टीप्लाई बाय 10^-4 मल्टीप्लाई बाय हो गया, अब इसके बाद डिवाइड बाय 49, क्लियर? इसको 49 से डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं क्या ये 7 से कैंसिल होगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 198 मल्टीप्लाई बाय 6400, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको मैं रब कर रहा हूं यहां से और यहीं पर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए 198 × 6400, तो 198 × 6400, सो इट विल बी 2, 3, 4, 9 = 36 और 3, 39, 37 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 = 48, 54 × 4 = 58, 5, 6 × 6 = 11, इट विल बी 2, 9 = 8 = 17, 1, 16, 1, 2, 1, 12672, सो इट विल बी 12672 इंटू 20 ये और ये माइनस 4, कितना हो जाएगा? 10^-2 डिवाइडेड बाय 49, ओके, ये हो गया 49। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे, 12672 डिवाइडेड बाय 49, डेसिमल लेके भी कर सकते हैं, राउंडिंग ऑफ से भी, पर कोई बात नहीं, ऐसे कर देते हैं। 3, 9 = 27, 2, 3, 4 = 12, 2, 14, 2 से ही जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2, 9 = 18, 1, 2, 4 = 8, 1, 9, 98 हो गया। अब इसमें 16 में से 8 गया 8, अब यहाँ कितना बचा? 11, 11 - 9 = 2, अब इसमें 7 कैरी निकाल लेते हैं, तो 7 हो गया। अब इसमें देखिए 5 से करते हैं, अगर सिक्स से करते हैं तो 6, 9 = 54, 5, 6, 4 = 24, 29, 5 से जाएगा, 5, 9 = 45, 24, 7 - 5 = 2, 8 - 4 = 4,
अब इसमें टू कैरी निकाल लेते हैं यहां से। सो टू के बाद ये हो गया आपका, नाइन से करते हैं, नाइन नाइन जा 81, 8 36 और 8 44, 8 से जाएगा, 8 नाइन जा 72, 7 8 चौक 32 और 7 39, 0 12 में से 9 गए 3, 30 पॉइंट। सो इट विल बी 258, सो डेसिमल लगाएंगे 2.58, 2.58 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एरिया ऑफ द लाइट एमर्ज आउट फ्रॉम द सर्कल। इसी तरह के और भी फिजिक्स के क्वेश्चन समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी अकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, बहुत प्यारा सा इंस्टीट्यूट है, नाम है SFIC अकेडमी इन मोहन गार्डन इन उत्तम नगर इन न्यू दिल्ली। सो इफ़ यू वॉन्ट टू रीच अस, यू कैन रीच अस, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।